बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी फ्राइंग पैन में बगैर ओवन के, और ये झटपट एक मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको लंच बॉक्स में, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, और किसी भी गेस्ट के आने पर झटपट तैयार कर सकते हैं। हमने इसमें कोई भी ओवन यूज़ नहीं किया, इसमें कोई भी यीस्ट या डो यूज़ नहीं की। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुकम्मल रेसिपी समझने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप ये मज़ेदार पिज़्ज़ा रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो और आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने नान लिया है, हम नान से तैयार करेंगे पिज़्ज़ा। कोई भी नान ले लीजिए, लेफ्ट ओवर जो आपके पास पड़ा हो। मैंने ये कलौंजी नान लिया है, इसको पिज़्ज़ा शेप में कट कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले केचप लिया है मैंने, ये मैंने चीज़ यूज़ की है, ये होममेड चीज़ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने टोमेटोज लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, और एग में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और रेड चिली डाल के उसको मिक्स कर लिया था। सबसे पहले हम केचप लगाएंगे। केचप या सॉस, कोई भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे इस पे केचप। अब हम इस पे एग स्प्रेड करेंगे। ये एक अदर एग में मैंने थोड़ी सी नमक और रेड चिली पाउडर ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर लिया था। अब हम इस पे स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे टोमेटोज और कैप्सिकम जो मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं उनको स्प्रिंकल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें, जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये होममेड चीज़ है, अगर आप इसको रेसिपी चाहिए आपको तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इस पे शिमला मिर्च, कैप्सिकम इसको इस पे स्प्रेड कर देंगे। अब टोमेटो स्प्रिंकल कर देंगे, और इसी तरह दूसरे पीस पे भी स्प्रिंकल कर देंगे शिमला मिर्च और टोमेटोस। आप चाहें तो अनियन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन थोड़ा सा एग लगाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये। आप ये झटपट बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं, और किसी भी गेस्ट के आने पे भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ और से हम स्प्रिंकल करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा।
अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड किया है। और इसमें हम नान के पीसेस जो थे वो रख देंगे, दोनों पीसेस। आपके पास अगर फुल नान हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से कवर कर देंगे हम और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये देखें, इतनी आंच पे मैंने इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसको कुक कर लिया है, बेक कर लिया है। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स देखें हमारा मज़ेदार डिलीशियस पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और केचप या चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, हमारा नान पिज़्ज़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज आपको रोज़ाना फ्री में मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।